नमस्कार। आज का जो विशेष वीडियो है ये पुदीने पत्ती के संबंध में है। पुदीने पत्ती का जो महक यहाँ काफी अधिक आ रहा है, तो मैं सोलेस राठौर और आपका सोलेस राठौर यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। तो आज का जो विशेष है, इस गर्मी के मौसम में पुदीने पत्ती का जो महत्व है उसके संदर्भ में मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। ये हमारा बाड़ी है, बगीचा है, वहां पर ये खूब सारे मात्रा में पुदीने की पत्ती यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इसके संदर्भ में मैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण चीजों को बताने वाला हूँ। आपको लेकर जा रहा हूँ पुदीने पत्ती के पास, क्योंकि पुदीने की जो पत्तियां हैं मुख्य रूप से चटनी बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी जो चटपटी चटनियां हैं खाने के स्वाद को दोगुना कर देती हैं। और पुदीना मुख्य आहार तो नहीं है, लेकिन इसकी जो मौजूदगी से खाने के जो स्वाद है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा जो पुदीने की जो पत्ती है उसका औषधि गुणों से भरपूर है, हाजमे के लिए अचूक उपाय होता है। तो हम देखते हैं कि पुदीने की पत्ती का क्या क्या उपयोगिता है। अगर हमारे मुंह में बदबू आ रही है तो मुंह पुदीने की जो कुछ पत्तों को अगर चबा लें तो, और इसके बाद पानी से कुल्ले कर लें, तो बदबू जो है मुंह की वो चली जाती है। इसके बाद देखा गया है कि जो पुदीने त्वचा से संबंधित जो भी बीमारियां हैं उसके लिए अचूक उपहार है। और गर्मी में लू से बचने के लिए पुदीने का जो इस्तेमाल किया जाता है, इसके रस को पीकर बाहर निकलने से धूप लगने या लू लगने की जो समस्या है बिल्कुल नहीं होता। और हैजा होने पर भी पुदीने का जो इस्तेमाल किया जाता है, हैजा होने पर हम पुदीना हो गया या प्याज का रस, नींबू का रस बराबर मात्रा में मिलाकर पीने से ये फायदा होता है। और उल्टी होने पर भी, और आधा कप पुदीना का रस पीने से उल्टी आना बंद हो जाता है। पेट दर्द पर भी पुदीने को जीरा, काली मिर्च और हींग से मिलाकर खाने से आराम मिलता है। और हमारी जो दादी यहाँ पर आ रही हैं और इसका तो बखान करती ही हैं दादी, और हंस भी रही हैं हमारी दादी यहाँ पर। और हाँ, तो दादी पूरा समस्या का जो समाधान जानती हैं, वो बहुत काम में लीन है, यहाँ सुबह से लगी हुई है काम में। और यहाँ आसपास का जो क्षेत्र है पूरा उपजाऊ क्षेत्र ही है, और यहाँ पर खूब हर चीजें मिलेंगी आपको इस बाड़ी में। और पेट दर्द होने पर भी जो पुदीने को अच्छा, आम भी काफी मात्रा में झड़ रहे हैं वो, इनके समस्या तो मैं बता नहीं सकता, मगर ये जो कच्चे आम है काफी इसकी उपयोगिता के समय में आपके सामने एक वीडियो भी प्रस्तुत है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल सोलेस राठौर पर। जो पुदीने की पुदीना का जो पौधा है उसका वनस्पति नाम है मेंथा स्पाइकेटा, और यह लेमेसी कुल का पुदीना है जो विश्व भर में पाया जाता है। पुदीना को पुतिहा, रोचनी, पुदीनक या पहाड़ी पुदीना या बावरी पहाड़ी पुदीना, गार्डन मिंट, लेब मिंट, स्पीयर मिंट और नागोवो भी कहते हैं। इसका जो उपयोग है बाल झड़ना रोकने में काफी अधिक फायदेमंद होता है। पुदीना अपने जो वात सामक गुण के कारण बालों के रूसीपन को कम करने में सहयोग करता है। कान के दर्द में पुदीने का जो प्रयोग है काफी अधिक फायदेमंद होता है। अगर जिस कान में दर्द हो रहा है वहां पर एक या दो बूंद पुदीने के रस को डाला जाए तो कान दर्द में तुरंत राहत मिलती है। सिर दर्द से निजात दिलाता है पुदीने का जो चाय है, और मोटापा भी कम करता है। अगर हम पुदीने के जो चाय बना के हम सुबह शाम प्रतिदिन सेवन करें तो मोटापा भी तो कम हो ही जाता है। मुंह के जो छाले हैं उसकी परेशानियां भी दूर हो जाती हैं। अगर मुंह में छाले लगे हैं तो पुदीने का जो काढ़ा बना लें और गरारा करें और मुंह के छाले की समस्या ठीक हो जाती है। और दांतों के जो दर्द है और पुदीने का जो फायदा है काफी अधिक रोचक है और अच्छा है। और यहाँ पर देखा कि सांस की जो नली की सूजन को कम करता है। अपच की समस्या पुदीने के फायदे होते हैं, भूख बढ़ाता भी है, उल्टी में भी निजात दिलाता है, पाचन तंत्र को तंदुरुस्त रखता ही है, साथ साथ मूड भी ठीक करता है। और कभी उबाई भी आता है या उबकाई आता है तो पुदीने का जो सेवन करने से यह भी कष्ट दूर हो जाता है। पेट की गड़बड़ी में पुदीने का जो सेवन करना चाहिए, इसका जो काढ़े में नमक या मरीच मिलाकर सेवन करना चाहिए तो पेट रोग से ठीक हो जाता है। बदहजमी हो गया, खासकर अस्थमा के लिए फायदेमंद होता है। पुदीना अपने वात कफ सामक गुण के कारण अस्थमा में भी लाभदायक होता है। इसकी जो तासीर गर्म होने के कारण फेफड़ों में जमे बलगम को पिघलाकर उससे बाहर निकालने में सहायता प्रदान करता है।
मूत्र विकार में फायदेमंद होता है पुदीने का जो प्रयोग है। अगर 500 मिलीग्राम पुदीने के जो पत्ते हैं उसको काली मिर्च के साथ पीस लें, उसे छान कर मिश्री के मिलाकर पुदीने की चाय की तरह पिए, तो मूत्र विकार या पेशाब में जलन है वो ठीक हो जाता है। हाथी पाव में भी ये फायदेमंद होता है, और ये इसकी जो मात्रा है वो 20 मिलीलीटर के आसपास लेनी चाहिए। और घाव सुखाने में भी पुदीने का जो प्रयोग है ये फायदेमंद होता है। त्वचा रोग में भी फायदेमंद है, चेहरे में मुहासे हैं दूर कर देता है, बुखार में भी फायदेमंद होता है, शरीर के जलन में भी फायदेमंद है। पुदीना का जो उपयोग है सूजन को भी कम करता है, और बिच्छू के डंक मारने पर भी पुदीना का जो प्रयोग है ये काफी अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि सूखा पुदीना के जो पत्ते हैं पीस कर रख लें और बिच्छू जहां पर काटा है वहां पर मसलें और इसका सेवन भी करें तो ये कम हो जाता है। इसका जो उपयोगी भाग है, पुदीना का जो उपयोगी भाग है, या तो इसका पत्ता है या पंचांग का है। पुदीना का जो इस्तेमाल हम किसी दिन भी कर सकते हैं, या इसे हम सुबह लेना काफी अच्छा रहेगा। और अधिक सेवन के साइड इफेक्ट भी होते हैं, अगर आप इसका सेवन अधिक मात्रा से ज्यादा कर रहे हो तो किडनी विकार और आंत विकार भी हो सकते हैं, और सेक्स करने की इच्छा भी कम हो जाता है। तो पुदीने का सेवन नियमित रूप से करें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आप। धन्यवाद। बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी